व्यक्ति दो चीज़ों से बहुत हमेशा परेशान रहता है। एक आर्थिक परेशानी उसको हमेशा सताती रहती है, किसी भी प्रकार से वो जितना भी प्रयास कर रहा हो, यदि उसका कर्ज नहीं उतर रहा हो तो सीधे वह गणेश जी के शरण में जाए और गणेश जी की आराधना करें। मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र करना चाहिए उनने। ऋणम गणेश ऋणम छिंदीम वरेण्यम हुक पट नमस्वा, ये मूंगे की माला से करें। और इसके साथ यदि वह चतुर्थी का व्रत करता है तो अवश्य वह कर्ज से मुक्त होता है। दूसरा इसी का सरल उपाय देता हूँ, अमावस्या के दिन 1.5 मीटर लट्ठा लें, उसको 4 फोल्ड करें, उसमें 5 गुलाब के फूल रात्रि के ठीक 12 बजे 1 गुलाब का फूल रखते हुए गायत्री मंत्र करें, दूसरा गुलाब का फूल रखते हुए गायत्री मंत्र करें, तीसरा गुलाब का फूल रखते हुए गायत्री मंत्र करें, इसी प्रकार 5 गुलाब के फूल रखें और गायत्री मंत्र दोहराएं और उसको पैसे रख के ऊपर अपने सिराने के ऊपर रख लें। सुबह प्रातःकाल होते ही बहती नदी में उसका विसर्जन करें, अवश्य वह कर्जे से मुक्त हो जाएगा।